स्वागत है आप सभी का थुलुंग नर्सरी में। ये वही कटिंग है जो हमने 16 मार्च को लगाया था। उसके बाद हमने की थी इसकी रिपोर्टिंग 4 अप्रैल को। एक महीने बाद आप फर्टिलाइजर देने का काम करेंगे। पहला फर्टिलाइजर देंगे हम इसे DAP के 4 दाने एक गमले में, क्योंकि 8 इंची का गमला हमारा और ये 2-4 दाने ठीक रहेंगे। गमले के कोने में देंगे इसे। साथ साथ में मैं गुड़ाई भी कर रहा हूँ क्योंकि इसमें छोटे छोटे खरपतवार भी निकल आए हैं। वैसे तो हफ्ते में एक बार ऐसे गुड़ाई करनी चाहिए उसकी। जितने भी आपके पास प्लांट हैं, कोई सा भी प्लांट, उसकी गुड़ाई करनी चाहिए। 2 इंच गहरा गुड़ाई वो करनी चाहिए। उससे फ़ायदा ये है कि पुरानी मिट्टी नीचे दब जाती है और दूसरी मिट्टी ऊपर आ जाती है। इससे उसे हवा, सूरज की रोशनी मिल जाती है और इसमें खरपतवार भी ख़त्म हो जाते हैं गुड़ाई करने से। ज़्यादातर ये खरपतवार गोबर की खाद से ही आता है। बेसिक आपका खाद पुराना हो उसमें होता ही होता है कि ऐसे ऐसे बीज होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं कर पाते कहीं, तो उस चीट वहीं पे पड़ा रहता है। जैसे जैसे मौका मिलता है फिर वो उग जाता है। फिर हम अपने केमिकल फर्टिलाइजर को डालते हैं, तो वो फर्टिलाइजर पौधे को ना मिलकर उसी घास के बीज को लग जाता है, तो फ़ायदा नहीं होता, सब निकालना ज़रूरी है। और इस बार मैंने जेरेनियम की और भी कलेक्शन की है, नए कलर और नए पैटर्न में इसकी फ्लावरिंग होगी। और 4 प्लांट ऐसे हैं जो हैंगिंग में यूज़ करते हैं, हैंगिंग जेरेनियम वो भी है। ये हैं वो सब जो मैंने कलेक्शन किए हैं। मुझे डाउट है कि हैंगिंग जो जेरेनियम है वो यहाँ पे सक्सेस नहीं चल पाएगा गर्मी के कारण। अभी तो मेरे जेरेनियम में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है और प्लांट भी हेल्दी है। ऐसे चलता रहेगा तो बहुत अच्छा फ्लावर देगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।